फ्रेंड्स, मेरे चैनल अनीता नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आप अपने हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट भी यूज कर चुके हैं, जैसे शैम्पू या हेयर ऑयल या हेयर पैक या हेयर मास्क मार्केट वाले, तो उनमें से कोई भी आपको अच्छे रिजल्ट अभी तक नहीं दिए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी और आप एक से दो बार ही इसकी एप्लीकेशन से आपके हेयर फॉल कंट्रोल होने लगेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं उसे बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, उसे बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके से ऑनियन, आपको छोटे वाले मिल जाएंगे मार्केट में, ये बहुत अच्छे होते हैं और ओनियन में सल्फ़र की मात्रा अधिक होती है, तो आपके हेयर फॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से छोटे वाले ले लेने हैं और सेकंड ले लेना है आपको 1 इंच जितना आपको ले लेना है अदरक। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके जो हेयर रीग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं उनको ये रीग्रोथ करेगा और आपके हेयर फॉलिकल जो फ्रेंड्स, ये आपके हेयर को रीग्रोथ करने का भी काम करेगा और आपके हेयर में बहुत ही अच्छा, आपके हेयर को लॉन्ग भी बनाने में हेल्प करता है और इससे आपके हेयर थिक भी होते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसको बनाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी जार ले लेना है और जार में आपको भी ओनियन को, तो इस तरीके से आप भी अपने जार में इसको ले लीजिए। और फ्रेंड्स, जिंजर को भी आपको इसी में ले लेना है और हम लोग साथ में इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें लास्ट में क्या मिलाना है वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो इसको अब ग्राइंड करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने इसमें इसका ऑनियन का जूस हमने इसमें ले लिया है और इसमें अब हमें विटामिन ई की एक कैप्सूल ले लेनी है। आप इवियन विटामिन ई भी ले सकते हैं ये वाली, और अगर आपके पास इवियन विटामिन ई की कैप्सूल नहीं है तो ये वाली भी विटामिन ई आप ले सकते हैं। दोनों में से जो भी हो आपके पास वो आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपको इसको ऐड कर देना है, इसका विटामिन कैप्सूल को इसमें इस तरीके से, और इसको आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बन भी जल्दी जाती है और अप्लाई करना भी बहुत इजी है और हेड वॉश करना भी बहुत इजी है। और फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इसमें क्या हमें इसको लगाने के बाद क्या शैम्पू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद आप 1 से 2 घंटे, 1 घंटे रखने के बाद आप हेड वॉश कर सकते हैं, आप शैम्पू से भी हेड वॉश कर सकते हैं, और चाहे अगर आपको ऑनियन से किसी प्रकार से स्मेल से कोई आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो आप सिर्फ प्लेन वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको कम से कम आपको हफ्ते में 2 बार तो अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि 2 बार अप्लाई करने से आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप इस तरीके से कॉटन बॉल ले लेंगे और अपने हेयर की रूट्स में आपको इस तरीके से हल्का हल्का इस तरीके से डैप करना है। आपको बिल्कुल भी रब नहीं करना है अपने हेयर को, आपको बिल्कुल डैप करके ही अपने पूरे हेयर पे अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है और अच्छी है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट वाले हम परचेज़ कर लेते हैं लेकिन उसके रिज़ल्ट हमको अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी रेमेडी भी बहुत अच्छा वर्क कर जाती है, तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर वीडियो, नई नई वीडियो, लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको आप कॉटन बॉल से भी लगा सकते हैं और स्प्रे बोतल भी हो आपके पास उसमें भी आप भर के स्प्रे कर सकते हैं अपने हेयर पे। और इसको फ्रेंड्स पूरे लेंथ में नहीं लगाना है, इसको आपको सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेमेडी आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी या मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।